तो हेलो, कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं आज बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए महत्वपूर्ण आज तीसरे दिन का क्लास। और इस तीसरे दिन के क्लास में आपके सामने फिर से उपस्थित है मस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। तो ध्यान से देखिए और इसमें आप कमेंट करते चलिए कि कुल कितने आंसर सही कर रहे हैं। 2 रुपए के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, या यूं कहें कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है 1 रुपए की नोट पर जारी किया जाता है, लेकिन उसके बाद की जितनी भी कागजाती मुद्रे होते हैं या जो भी पैसे होते हैं उसको जो है जारी करने का श्रेय भारतीय रिजर्व बैंक को जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने और आपके स्क्रीन पर ये रहेगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया? तो सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया? दूसरे का राइट आंसर है, ऑप्शन आपके सामने है कि जवाब ए, हिंदवी को बढ़ावा देकर, खानकाह की स्थापना करके, साहित्यिक समन्वय स्थापित करके, या यूं कहें कि ईश्वर की एकता का प्रतिपादन करके। तो इसका सबसे सटीक और सबसे बेहतर आंसर हो जाएगा जवाब ए, हिंदवी को बढ़ावा देकर के। जवान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर के सूफी संतों ने सांस्कृतिक समन्वय में अपना योगदान दिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपस्थित है? चेन्नई में, कानपुर में, वैशाली में, या दुर्गापुर में? तो सही आंसर है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है वह कानपुर में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्याज का खाने योग्य भाग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्याज के खाने वाले योग्य भाग जो होती है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चौथे का रूपांतरित तन्ना, यानी तन्ना का रूपांतरित रूप ही जो है प्याज है, यानी कि प्याज जो नीचे भूमि में बैठता है वह तन्ना द्वारा परिवर्तित होकर के बना होता है। चौथे का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ऑप्शन है जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, या रोम में। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है दोस्तों वह पाँचवे का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। रोम में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय उपस्थित है। अगला बिंदु देख लेते हैं, छठा नंबर प्रश्न है कि टी के नाम से किसे जाना जाता है? टी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है टी कृष्णा स्वामी कृष्णमचारी को, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को, मार्टिन लूथर किंग को, या हो ची मिन को। छठे का सही आंसर हो जाएगा टी कृष्णमचारी को जो है टी के नाम से जाना जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, वेलूर निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? तो वेलूर जो है उसका संबंध किस महापुरुष से संबंधित है? गुरु नानक देव से, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, रविन्द्रनाथ टैगोर, और महात्मा गांधी। तो वेलूर जो है दोस्तों वह संबंधित होने वाला जो क्षेत्र है वह महापुरुष जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित रहने वाला एक स्थान है। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई? बंगाल का विभाजन हुआ उस समय, या जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, या भारत छोड़ो आंदोलन? तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई? तो आठवें का राइट आंसर है कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल अमेरिका में अपेक्षाकृत सबसे कम लोकप्रिय है? तो निम्नलिखित में से जो दिए गए ऑप्शन हैं उसमें से कौन सा ऐसा खेल है जो अमेरिका में उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि अन्य देशों में यह प्रसिद्ध है? सही आंसर है क्रिकेट जो है वह अमेरिका में अधिक प्रसिद्ध नहीं है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दसवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया गया है और दसवां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है, दसवां नंबर ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि अकबरनामा
दसवां नंबर क्वेश्चन है कि अकबरनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी, अबुल फजल, चाणक्य या फैजी? उम्मीद करते हैं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने चुन लिया होगा बेहद ही आसानी पूर्वक। अबुल फजल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल जो है अकबरनामा के लेखक हैं। 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सितारा देवी का संबंध जो है क्या कथकली से है, कथक से है, मणिपुरी से है या ओडिसी से है? राइट आंसर हो जाएगा कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा कथक से। याद रखिएगा दोस्तों, कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है, वहीं कथकली जो है वह केरल का एक नृत्य है। मणिपुरी समझते ही होंगे और ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? 12वें का सही आंसर है कि तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और 13वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है 13 नंबर, ध्यान से देखिएगा, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें लोहा के अतिरिक्त निम्नलिखित से क्या मिलाया गया रहता है? 13 नंबर के बाकी ऑप्शन को चुनने हैं आपको, क्या तांबा और टीन होता है, जस्ता या तांबा होता है, निकेल या जस्ता होता है? तो याद रखिएगा, क्रोमियम, निकेल और लोहा को मिला करके स्टेनलेस स्टील इस्पात का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कुद्रेमुख में निम्न में से हमें क्या मिलता है? कुद्रेमुख देखेंगे, कुद्रेमुख में निम्न में से क्या मिलता है? ताम्र अयस्क मिलता है, जस्ता मिलता है, निकेल मिलता है या यूं कहें कि लौह अयस्क मिलता है? तो 14 का सही आंसर होगा कि कुद्रेमुख में निम्न में से लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने 15वें नंबर क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा और 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उससे क्या कहा जाता है या क्या पता चलता है? पेड़ के काटने पर जो रिंग हमें प्राप्त होती है उसमें उससे हमें किन चीज़ों के बारे में अध्ययन होता है? पेड़ की आयु, पेड़ को कितना पानी मिलता था, उपर्युक्त दोनों बातें निर्भर करती हैं। 15वें का सही आंसर है कि पेड़ में उपस्थित रहने वाले रिंगों की संख्याओं को गिनकर हम पेड़ की आयु निकालते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ध्यान से देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन को, 16वां नंबर प्रश्न आपको आपके पास उपस्थित है, इन्हीं तीन में से ऑप्शंस हो जाएगा, चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? तो आवाज़ तथा कंपन सुनाई पड़ती है, आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है और कंपन सुनाई पड़ता है। आवाज़ सुनाई देती है लेकिन कंपन सुनाई नहीं पड़ता है। तो चंद्रमा पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह आवाज़ सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं पड़ता। आवाज़ तो सुनाई देगी लेकिन कंपन सुनाई नहीं देता है, चंद्रमा पर यह घटना होती है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 17 नंबर प्रश्न आपके पास है, मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? आप ध्यान से देखिएगा, मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपके सामने, ग्रेनाइट के लिए, परतदार चट्टानों के लिए, लौह के लिए या संगमरमर के लिए। मकराना निम्नलिखित में से किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? 17वें का सही आंसर हो जाएगा कि मकराना दोस्तों संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना जो है संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, प्रश्न कहता है कि सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधी रात के बाद सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं उठने लगती है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 19वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर प्रश्न आपके पास ये रहेगा स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा, 19वां नंबर क्वेश्चंस आपके पास है, प्रश्न कहता है, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? अकबर ने जिन राजपूत नीतियों का प्रयोग किया था उस राजपूत नीति से निम्नलिखित में से किनको अधिकतम लाभ हुआ था? मुगलों को, राजपूतों को, मुगल और राजपूत दोनों को, उपर्युक्त में से किसी को भी लाभ नहीं हुआ था। तो सही आंसर है कि अकबर ने जिस राजपूत नीति को अपनाया था उसे मुगल और राजपूत दोनों को ही फायदा पहुंचा था।
20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किया। एनी बेसेंट ने, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर। तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन करने का श्रेय जो है वह एनी बेसेंट को जाता है। याद रखिएगा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर नियोन। 21 का सही आंसर हो जाएगा कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक जो है वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की वजह से लोहे में जंग लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताएं जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। यूएनओ की उस एजेंसी का नाम क्या है जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। 22वें का UNCTAD या फिर UNCHR, यूनिसेफ या फिर ICR। तो सही आंसर है कि यूएनओ की वह एजेंसी जो निम्नलिखित में से 22वें का ऑप्शन नंबर सी है, यूनिसेफ एक ऐसी एजेंसी है जो बाल कल्याण के लिए काम करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए। सिद्धार्थ जो है उनके बचपन का नाम था गौतम बुद्ध का, तो आगे चलकर के क्या कारण है कि उनको बुद्ध कहा गया। उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्हें घर त्याग दिया था, उन्होंने घोर तपस्या की थी, वह साधु का जीवन व्यतीत करने लगे थे। तो याद रखिएगा 23वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होने की वजह से महात्मा बुद्ध को सिद्धार्थ से आगे लोगों ने बुद्ध कहना शुरू कर दिया। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है। वह कर निम्नलिखित में से कौन सा है जिसको सरकार जो है, केंद्रीय सरकार जो है एकत्रित करती है। भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर या सीमा कर। 24वें का राइट आंसर है कि निम्नलिखित दिए गए करों में से सीमा कर को जो है केंद्रीय सरकार जो है क्या करती है, एकत्रित करती है। 25वें का सही क्वेश्चन है आपके सामने, जमायत इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है। जमायत इस्लामी निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसका एक राजनीतिक दल पार्टी है। तो ऑप्शन है आपके सामने अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का, लेबनान का या सऊदी अरब का। 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश देश जो है उसका एक राजनीतिक पार्टी का नाम जमायत इस्लामी है। 25 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन थे। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर निम्नलिखित में से किन को कहा जाएगा। 26 का सही आंसर है, महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। इन्हें बौद्ध क्या बोलते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में भारत में निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं हुई है। तो विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रगति है जो प्रगति नहीं हो पाई। 27वें का सही आंसर है, चंद्रमा पर आदमी बसाने का अभी तक कार्य नहीं हुआ। भारतीय भौतिक में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुई। अंतरिक्ष में आदमी भेजने की, एवरेस्ट की चोटी पर, तो चंद्रमा पर आदमी बसाने का जो इंतजाम है अभी तक इस क्षेत्र में प्रगति हमारे द्वारा नहीं हुई है। हालांकि चंद्रयान 3 जो है अब हमारा पहुंच चुका है, इसके बाद इसके बारे में सोचा जाएगा कि मनुष्य को वहां पर किस प्रकार से भेज दिया जाए। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी। हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वाधिक पाई गई है। 28वें का सही आंसर है, नालंदा में हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था था। उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स आज के ये जो क्वेश्चंस 28 थे आपको पसंद आए होंगे और सभी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल इसी समय पर फिर से मिलते हैं। जय हिंद।